बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर में हमने तारीख की किताब का सरसरी मुताला किया था। अब हम इस का पहला सबक बरे सगीर हिंद और तारीख ये देखेंगे। इस सबक के अहम नुकात है तारीख की तश्कील और जुग्राफियाई खसूसियात, भारत की जुग्राफियाई खसूसियात, बरे सगीर हिंद। बच्चों, तारीख से क्या मुराद है? बच्चों, क्या आप जानते हैं तारीख यानी क्या? तारीख का मतलब होता है इंसानी तहजीब के सफर में वाकई होने वाले हर किस्म के माजी के वाकया। जैसे आप छोटे थे, आप अपने आपके आपको आपकी अम्मी ने पालने में सुलाया, झुलाया, खिलाया। फिर आप थोड़े बड़े हुए, स्कूल आने लगे, फिर आप छठी जमात में पहुंच गए। अब आप पढ़ लिख कर बड़े होंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई वकील। इस तरह आपका जो बचपन था, झूले में आप जब थे, वो आपका माजी। और जब आप अभी जो चल रहा है वो आपका हाल है। लेकिन जो आपके पिछले वाकया, जो आपके जिंदगी में गुजर चुके, जब आप छोटे थे तो पानी को मम कहते थे, या जो भी और भी बहुत सारी बातें, तो वो माजी के वाकया क्या कहलाएंगे? माजी के वाकया। इसी तरह इंसानी जिंदगी में हमारे आबा व अजदाद के साथ जो वाकयात गुजर चुके हैं उनको तारीख कहते हैं। अब तारीख के चार बुनियादी सुतून हैं, मकाम, समाज, जमाना, शख्स। ठीक है बच्चों, अब तारीख यानी क्या अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत बच्चों, जुग्राफियाई हालात कई तरह से तारीख पर असरअंदाज होते हैं, जैसे गिजा, लिबास, मकानों की तामीर और पेशे यानी काम। जिस माहौल में हम रहते हैं हमारी समाजी जिंदगी भी उन पर मुनहसिर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी की बनिस्बत बहुत ज्यादा मेहनत वाली होती है, क्योंकि पहाड़ों में रहना मुश्किल काम है। पहाड़ों में पानी भी नहीं होता है, ना ही वहाँ पे फसल उगाई जा सकती है। इसलिए पहाड़ी लोगों की जिंदगी ज्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत मैदानी इलाकों के लोगों की जिंदगी के। इसलिए जो है तो हर इलाके के जुग्राफियाई हालात पर वहाँ के लोगों की जिंदगी का इन्हिसार होता है। में रहते हैं वहाँ की आबो हवा, बारिश, खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात और हैवानात हमारी गुजर बसर के जराए होते हैं। इनकी मदद से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, है ना। तो बहुत सालों के बाद, कुछ बहुत अरसे के बाद ये आबादियाँ क्या होती है, देही बस्तियों और शहरों में तब्दील हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुदरती आफात आती है, जैसे कहर, जलजला। कुछ कुदरती आफात की वजह से जैसे जलजला, कहर, तबाह, हमले वगैरह, इन हालात में लोगों को जब गिजा की किल्लत होती है, कमी होती है, तब लोग ऐसे हालात में गांव छोड़कर चले जाते हैं, देही बस्तियां और शहर उजड़ जाते हैं। तारीख में ऐसे बेशुमार वाकया मौजूद है। इससे ये बात वाजे हो जाती है कि तारीख और जुग्राफिया का अटूट रिश्ता है। अब हम भारत की जुग्राफियाई खसूसियात का मुताला करेंगे। भारत के मशरिक में बहरे बंगाल है, शुमाल में हिमालय पहाड़, मगरिब में बहरे अरब, जुनूब में बहरे हिंद। भारत के कुछ जज़ायर भी हैं, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप। अब हम भारत के तबई हिस्सों को बगौर देखेंगे तो यहाँ पर भारत के 6 हिस्से हमें दिखाई देते हैं। नंबर 1, भारत के अहम तबई हिस्से देखेंगे हम यहाँ पर, हिमालय पहाड़, जो भारत के किस हिस्से में, शुमाल में। बच्चों, हिमालय पहाड़ के बारे में आपने मालूमात हासिल कर चुके हैं इससे पहले जमात में, के पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ का दर्जा हरारत बहुत कम होता है। अब दूसरा हिस्सा देखेंगे हम, दरियाओं का मैदानी इलाका। मैदानी इलाके से समझ में आता है कि यहाँ पर जिंदगी बहुत आसान होती है।
उसके बाद है थर का रेगिस्तान, जिस तरह पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुश्किल होती है उसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में भी जिंदगी मुश्किल होती है। दक्कन की सतह मुर्तफा, साहिली इलाके और जजायर। हमने भारत के तीन जजायर के नाम पढ़े हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। से हमारा भारत गैर मुनकसिम यानी तकसीम नहीं होता है और मुसलसल है, सिर्फ चंद जजायर को छोड़कर जो समंदर के अंदर वाकई है। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत ही का हिस्सा थे, यानी तीनों मुल्क मिलाकर सिर्फ हमारा भारत होता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये सब एक साथ ही थे, लेकिन बाद में ये जो है तो अलग अलग देश बन गए और हमारा भारत एक हो गया। भारत के छह तबाही हिस्से हैं जो जिनके नाम मैंने आपको अभी बता दिए हैं। अब हम वन बाय वन इसकी मालूम हासिल करेंगे। सबसे पहला है हिमालय, हिमालय पहाड़। देखो बच्चों, तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये सफेद सफेद जो है तो बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ इसकी एक खसूसियत ये है कि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है और जो है तो इसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत इलाका नजर आता है। ये घूमने के लिए सैयाहों की, इसको सैयाहों की जन्नत भी कहते हैं। अब यहाँ से चीन से निकलकर जो एक रास्ता अरब जाता था जो रेशम शाहरा के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते को रेशम शाहरा इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योंकि यहाँ से रेशम जो है तो इसी रास्ते से लाया ले जाया जाता था और गैर मुल्की सैयाह भी इसी रास्ते से भारत में आए। गैर मुल्की यानी दूसरे मुल्कों के सैयाह यहाँ पर जो है भारत में इसी रास्ते से दाखिल हुए। अब दूसरा हमारा पॉइंट है दुर्रे खैबर। दुर्रे खैबर जो है ये आप तस्वीर से ही देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में, देखो यहाँ पर छोटी छोटी वादियां नजर आ रही है। ये माविन दरियाओं की वादियों का इलाका है। इस इलाके में सिंध, पंजाब और पंजाब ये सब इलाके आते हैं। भारत की सबसे कदीम हड़प्पा तहजीब और इसके बाद की कदीम जमहूरी और शहनशाही सल्तनतें इसी इलाके में परवान चढ़ी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दरियाए गंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं थर का रेगिस्तान। रेगिस्तान से मतलब मुराद होता है रेतीला इलाका जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। इस इलाके में जो है तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात ये सब इलाके आते हैं। अब इसका कुछ हिस्सा जो है तो पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दक्कन की सतह मुर्तफा, दक्कन की सतह मुर्तफा देखते हैं। इस इलाके में जो है तो मशरकी सा एक जानब जो है तो मशरकी साहिल और दूसरी जानब मगरबी साहिल और उनके दरमियान में वाकई भारत का जमीनी इलाका जुनूब की जानिब तंग होता चला जाता है। दक्कन की सतह मुर्तफा को नक्शे में देखते हैं। ये हमारे भारत का नक्शा है। इसमें आपको देखो यहाँ दक्कन की सतह मुर्तफा दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ऊपर की जानिब चौड़ा हिस्सा है और जैसे जैसे हम नीचे जुनूब की जानिब जाते हैं यहाँ पर ये पतला हिस्सा जो है तो पतला होता चला जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है बच्चों दक्कन की सतह मुर्तफा के मगरिब में सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले हैं, उसे मगरिबी घाट कहते हैं और दक्कन की मशरकी जानिब जो पहाड़ी सिलसिले हैं इसको मशरकी घाट कहते हैं। आइए हम नक्शे में इसका मुताला करते हैं। देखिए ये मगरिबी साहिली पट्टी पर सह्याद्री पहाड़ मगरिबी घाट और मशरकी साहिली पट्टी पर क्या है मशरकी घाट। अब है पांचवा इसका पॉइंट है साहिली इलाके। साहिली इलाके मतलब समंदर से लगकर जो इलाके होते हैं। यहाँ पर देखिए कदीम भारत में हड़प्पा तहजीब के जमाने से मगरबी ममालिक के साथ तिजारत हुआ करती थी। ये तिजारत बहरी रास्तों से हुआ करती थी, बहरी मतलब समंदरी रास्ते से। तो इसलिए भारत की बंदरगाहों पर क्या है जगह जगह जो है तो गैर ममालिक की तहजीब और लोगों से भारत का लेन देन हुआ करता था। बाद में यानी काफी अर्सा गुजरने के बाद जो है तो खुश्की के रास्ते से भी यानी जमीनी रास्ते से भी तिजारत होने लगी और तहजीबी लेन देन का आगाज हुआ। पॉइंट हमारा छठा पॉइंट है
समंदर में पाए जाने वाले जजायर, जजायर का मतलब होता है जजीरे की जमा जजायर होती है। इसी तरह बहरे बंगाल में, बहरे बंगाल देखिए आपको मैं नक्शे में दिखा दूं, ये हमारा बहरे बंगाल है और ये जो छोटे छोटे आपको ये छोटे छोटे खुश्की के हिस्से नजर आ रहे हैं ये जो है तो अंडमान और निकोबार जजायर है जो भारत में ही आते हैं। दिखाई दे रहे आपको ये खुश्की के हिस्से, ठीक है। तो बहरे बंगाल में, बहरे बंगाल यानी समंदर, बंगाल का समंदर, इसमें अंडमान और निकोबार ये भारत के जजायर है। इसी तरह जजायरुल हिंद लक्षद्वीप बहरे अरब में वाकई है, बहरे अरब मतलब अरब का समंदर। देखिए ये बहरे अरब, यहाँ पर भी कुछ जजायर नजर आ रहे हैं, देखो ये एकदम बारीक नुक्तों की शक्ल में है जो जजायर लक्षद्वीप कहलाते हैं जो हमारे भारत में ही आते हैं, ठीक है। अब यह बरसगीर का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उनसे कदीम भारत से हमारा जो है तारीखी ताल्लुक रहा है, वहीं से तिजारत भी हुआ करती थी, इसलिए ये मकामात हमारे लिए अहम है, इनको एक अहम मकाम हासिल है। ये आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम इस मश्क को इंशाल्लाह करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।